आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी ओर से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें कि एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए औपचारिक घोषणा की है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को मजबूती के साथ उतारने की बात कही है। लखनऊ से राशिद अलवी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी अपनी दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। तो वहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसको देखते हुए जिस तरह का काम है, जो जनता को साधने का काम कर रही, उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक कालीचरण सोनकर जी हैं। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लिया, तो कहीं दूसरी तरफ जो लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील सिंह, वो कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। लोक दल का कहीं भी 10 वोट नहीं है। कार्यालय जरूर हो सकता है, वो भी बहुत पुराने जमाने का, हमें सब पता है, क्योंकि मैं 1989 में जनता दल से विधायक चुना गया था। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोक दल नाम की कोई चिड़िया नहीं है, कोई एक भी मतदाता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए हम इनका नाम लेकर बिना मतलब की बात है। जो कुछ है, कांग्रेस और बसपा सपा का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं पुनः दोहराता हूँ कि बीजेपी पूरी की पूरी सीटें अपने सहयोगी दलों के दम पर जीतेगी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से सर चर्चाएं लगातार चल रही हैं, इस समय बैठक भी लगातार हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह हैं, जो रक्षा मंत्री भी हैं, उनको फिर से दोबारा टिकट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कही है, तो क्या लगता है कि कौन ऐसे होंगे जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ से दावेदारी करेंगे और इनके साथ मुकाबला करेंगे राजनाथ सिंह की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ लोकसभा अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने से और उसके पहले से भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, आज भी है, इसलिए राजनाथ सिंह जी को कोई मेहनत नहीं, पार्टी कार्यकर्ता ही चुनाव जिता देंगे। और इंडिया गठबंधन का यह जो प्रत्याशी होगा उसमें उसकी जमानतें जब्त होंगी, ये निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये हमारे साथ थे पूर्व विधायक कालीचरण सोनकर जी, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बढ़ोतरी लेकर ही उत्तर प्रदेश और पूरे इंडिया में जो इंडिया गठबंधन है उसको हराने का काम करेगी। कैमरामैन नफीस के साथ मैं राशिद अलवी, लखनऊ। लोकसभा